हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मूव करते हैं मोटिवेशन कोड पे। जिंदगी में हमेशा उनसे दूर रहना जो आप में वो कमी बताएं जो आप में है ही नहीं। Always stay away from them in life that which you lack in you which is not in you। Move करते हैं first question पे। PMFME योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है, ये किस क्षेत्र के लिए शुरू की गई है? PMFME scheme is a central sponsored scheme for which sector it has been launched? ऑप्शन है पर्यटन, कृषि, मत्स्य पालन, खाद्य प्रसंस्करण उद्यम। इसका राइट आंसर है खाद्य प्रसंस्करण उद्यम। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वस्तुतः सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना प्रधानमंत्री FME योजना की प्रधानमंत्री निर्माण की क्षमता निर्माण घटक का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? वो अमंग द फॉलोइंग विल बी अवार्डेड द वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ऑप्शन है प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल, स्मृति जुबिन ईरानी, रमेश पोखरियाल निशंक। इसका राइट आंसर है रमेश पोखरियाल निशंक। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में 33वीं स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड की बैठक को संबोधित किया। भारत ने किस वर्ष तक टीवी को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य रखा है? यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन रिसेंटली एड्रेस द 33rd स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड मीटिंग बाय विच ईयर इंडिया हैज एम टू एराडिकेट टीवी कंप्लीटली। ऑप्शन है 2022, 2030, 2025, 2023। इसका राइट आंसर है 2025। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नई दिल्ली में 33वीं स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड की बैठक को संबोधित किया। भारत ने 2025 तक टीवी को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी पत्नी जिल बाइडेन के लिए निम्न में से किस भारतीय मूल की महिला को नीति निर्देशक नियुक्त किया है? Which of the following Indian origin woman has been appointed by US elected President Joe Biden for his wife Jill Biden? Option A Pramila Jaipal, Kamala Harris, Mala Adiga, Medha Narvekar. इसका राइट आंसर है माला अडिगा। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी माला अडिगा को अपनी पत्नी जिल बाइडेन की पॉलिसी डायरेक्टर नियुक्त किया है।
इससे पहले माला अडिगा व्हाइट हाउस के वरिष्ठ कर्मचारियों में उप सहायक सचिव रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने की उम्र क्या निर्धारित की है? व्हाट इज द एज ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी टू डेब्यू इन इंटरनेशनल क्रिकेट? ऑप्शन है 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल। इसका राइट आंसर है 15 साल, 15 ईयर्स। आईसीसी बोर्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ियों के लिए न्यूनतम आयु की नीति शुरू की है। उसके मुताबिक क्रिकेटर को विश्व स्तर पर खेल खेलने के लिए कम से कम 15 साल का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश को 2023 में होने वाले G20 देशों की बैठक की अध्यक्षता प्रदान की गई है? Which of the following countries has been chaired by the meeting of G20 countries to be held in 2023? ऑप्शन है भारत, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश। इसका राइट आंसर है भारत। साल 2023 में G20 समिट की मेजबानी भारत करेगा। सऊदी अरब में 15वें समिट के समापन के बाद अगले वर्षों में होने वाली इस समिट के मेजबान देशों के नाम की घोषणा हुई। 2021 में इटली, 2022 में इंडोनेशिया और 2023 में G20 समिट की अध्यक्षता भारत करेगा। वहीं साल 2024 में ब्राजील समिट की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य सरकार ने देश में COVID-19 मामलों में वृद्धि के बीच इस वर्ष हॉर्नबिल महोत्सव वर्चुअली मनाने का निर्णय लिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट हॉर्नबिल फेस्टिवल वर्चुअली दिस ईयर एमिड्स इंक्रीज इन COVID-19 केसेस इन द कंट्री? ऑप्शन है नागालैंड, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम। इसका राइट आंसर है नागालैंड। नागालैंड सरकार ने देश में COVID-19 मामलों में वृद्धि के बीच वस्तुतः इस वर्ष हॉर्नबिल महोत्सव मनाने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोनेट LNG के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new managing director and chief executive of Petronet LNG? ऑप्शन है अर्जुन प्रताप सिंह, अक्षय कुमार सिंह, राणा प्रताप सिंह, प्रभात कुमार सिंह। इसका राइट आंसर है अक्षय कुमार सिंह। पेट्रोनेट LNG के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी के रूप में अक्षय कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS के लिए पहले मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। Which first chief executive of Tata Consultancy Services TCS has passed away at the age of 96? Option A, Fakir Chand Kohli, Rajesh Gopinathan, Natarajan Chandrasekharan, Ratan Tata. Iska right answer hai फकीर चंद कोहली।
भारत की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के पितामह कहे जाने वाले फकीर चंद कोहली अब हमारे बीच नहीं रहे। 96 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले एंटी सैटेलाइट एसेट मिसाइल का नाम क्या है? What is the name of India's first anti-satellite ASAT missile? Option है मिशन चंद्रयान, मिशन गगनयान, मिशन शक्ति, मिशन आदित्य। इसका राइट आंसर है मिशन शक्ति। भारत के पहले एंटी सैटेलाइट एसेट मिशन का नाम मिशन शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने एससीओ परिषद के सदस्य देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के 20वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज चेयर्ड द 20th समिट of the presidents of the SCO council member countries? Option है रूस, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। इसका राइट आंसर है रूस। SCO Council of States के 20वें शिखर सम्मेलन का वीडियो सम्मेलन प्रारूप में आयोजित किया गया था। बैठक की अध्यक्षता रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने 2019 के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार NWAS में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार प्राप्त किया है? Which state has received the Best State Award in the National Water Award NWAS for 2019? Option है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। राज्यों की श्रेणी में तमिलनाडु को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला। इसके बाद महाराष्ट्र और राजस्थान का स्थान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के दिग्गज फुटबॉलर डिएगो माराडोना का 60 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? Which of the following countries footballer Diego Maradona has died at the age of 60? ऑप्शन है मेक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, रूस। इसका राइट आंसर है अर्जेंटीना। फुटबॉल के महानतम खिलाड़ियों में शुमार अर्जेंटीना के मशहूर फुटबॉलर रहे डिएगो माराडोना का 60 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और मालदीव के बीच विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की मालदीव यात्रा के दौरान कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए? हाउ मेनी एग्रीमेंट वेयर साइन बिटवीन इंडिया एंड मालदीव ड्यूरिंग फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला विजिट टू मालदीव? ऑप्शन है 7, 8, 4, 3। इसका राइट आंसर है 4। भारत और मालदीव के बीच विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की मालदीव यात्रा के दौरान 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता ज्ञापन दोनों देशों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब सागर में भारत, सिंगापुर एवं किस देश के बीच सिटमैक्स 20 सैन्य अभ्यास के दूसरे संस्करण को शुरू किया गया है? The second edition of the SITMEX 20 military exercise has been launched between India, Singapore and which country?
इन द अरेबियन सी? ऑप्शन है नेपाल, चीन, रूस, थाईलैंड। इसका राइट आंसर है थाईलैंड। भारतीय नौसेना सिंगापुर और थाईलैंड की नौसेनाओं के साथ अंडमान सागर में दो दिवसीय त्रिपक्षीय सिटमैक्स 2020 में हिस्सा ले रही है। इस युद्ध अभ्यास में हथियार चलाना और सत्य युद्ध अभ्यास शामिल है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।